हेलो बच्चों, प्रैक्टिस में है ना आप लोग? टाइपिंग का प्रैक्टिस में है? कोई भी एग्जाम निकालने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस में नहीं है, एग्जाम निकालने में बहुत परेशानी होगा। बराबर बोलते हैं आप लोग को, है ना? अभी हाल फिलहाल में DRDO का रिजल्ट दिया है, टाइपिंग का डेट भी दे दिया है, आप लोग अलर्ट हो जाइएगा थोड़ा सा, है ना? एक्सरसाइज 5 तक आप लोग को बता दिए हैं। अब सोच लीजिए, एक्सरसाइज 6 आने में लमसम हमको 3 महीना मान के चलिए हुआ, है ना? लड़कन लोग क्या करते हैं, 3 महीना में सोचते हैं पूरा किताब खत्म कर दें, है ना? नहीं, है ना? बिल्कुल टाइपिंग जितने आराम आराम से आप लोग आगे बढ़ेंगे, आराम आराम से करेंगे, उतने बेहतर होगा, है ना? बुक के बारे में आप लोगों को बता ही दिए हैं, है ना? इस एक्सरसाइज पे थोड़ा सा फोकस ढंग से करेंगे, क्योंकि इसमें देख रहे हैं बहुत सारा डिजिट है, बहुत सारा देख रही है ना? ये सब डिजिट वगैरह है, आपको देखना है, बहुत सारा डिजिट है। कोशिश करिए इस एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 5 कितना वर्ड है? 439 वर्ड है। इसको लक्ष्य बनाइए, टारगेट करिए कि इसको 10 मिनट में इस पेज को हमको टाइप कर लेना है। यदि पेज 10 मिनट में आप टाइप कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी टाइपिंग बिल्कुल इजी में निकलेगा, कोई तरह का कष्ट नहीं होगा। अपडेट कर देते हैं थोड़ा सा, जो एक्सरसाइज में है, जो प्रैक्टिस में है, जो स्पीड ला रहे हैं, कैसे क्या करना है टाइपिंग, एक बार थोड़ा सा अपडेट हो लीजिए। जब भी आप लोग टाइपिंग करने के लिए बैठेंगे, है ना, टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले ABCD से स्टार्ट करेंगे। कहां से? A से लेके Z तक कम से कम इसको 5 मिनट स्टार्टिंग में बैठते के साथ यहीं से स्टार्ट करना है। वर्ड मीनिंग के बारे में आप लोगों को तो बता ही दिए हैं, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक के बिना आज के डेट में कोई भी बीमारी ठीक नहीं होता है, है ना? तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट इसको टाइप करेंगे ABCD। ABCD टाइप करने के बाद बिल्कुल ऑल पे आ जाइएगा। बच्चे लोग मीनिंग करने से कतराते हैं, वर्ड मीनिंग करना नहीं चाहते हैं, हाँ, तो ऐसे बच्चों के लिए खास करके बता रहे हैं कि वर्ड मीनिंग टाइपिंग का रीढ़ है, है ना? क्या है रीढ़? जिसको बोलते हैं ना, पेड़ है खड़ा तो जड़ अगर मजबूत है तो पेड़ खड़ा है, इसी प्रकार से टाइपिंग का जड़ है ना, ये जड़ होता है। जितना भी वर्ड मीनिंग देख रहे हैं छोटा छोटा, है ना, बहुत काम का चीज है ये सब, ये सब को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक्सरसाइज टाइप नहीं करें, चलेगा थोड़ा देर के लिए, लेकिन वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है, खास करके कैपिटल वाला, है ना? पहला लेटर कैपिटल मारना किस तरह से बताए दिए हैं, देख लीजिएगा। अगर मान लिया कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग को वीडियो ढंग से टाइम से प्राप्त होते रहे, है ना? ये सब देख रहे हैं, जितना भी वर्ड मीनिंग है सब वर्ड मीनिंग एकदम बैठते के साथ ये यहां तक आना है, लेटर 12 तक। अभी अगर वर्ड मीनिंग मारने से आप लोग कतराते हैं, ये मतलब भागते हैं, नहीं मार करना चाहते हैं, वर्ड मीनिंग टाइपिंग करना नहीं चाहते हैं, वैसे बच्चों के लिए मैं विशेष करके कहना चाहूंगा, आप लोग वर्ड मीनिंग से कभी नहीं पीछे भागेंगे, है ना? वर्ड मीनिंग अगर हो जाता है, वर्ड मीनिंग टाइप करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, एक पेज को एक फिक्स कर लीजिए। जैसे मैं एक्सरसाइज टू को फिक्स कर लीजिए, ABCD वर्ड मीनिंग करने के बाद एक्सरसाइज 2, ये आपका रूटीन में, कोशिश करिए हमेशा ये रूटीन में रहे। इतना जब भी हम टाइपिंग करने के लिए बैठे हैं तो इतना टाइपिंग तो
एकदम होना ही होना है। इसके बाद क्या करेंगे, एक स्क्रीन वाला मार लीजिएगा, है ना, सोनी टाइपिंग पे, सोनी टाइपिंग पे एक स्क्रीन वाला कर लीजिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद भी अगर टाइम बच जाता आपके पास तो क्या करेंगे, एक पेज इसके साथ एक्सरसाइज टू के साथ एक एक्सरसाइज एक्स्ट्रा, जैसे मान लिया आप आज टू किए, टू के साथ आज थ्री कर लीजिएगा, कल थ्री बंद कर देंगे, थ्री की जगह फोर हो जाएगा, है ना, परसों, तरसों क्या होगा, फोर की जगह फाइव। इसी तरह से पर डे एक चैप्टर फिक्स के बाद बदलते चल जाएं, है ना। अब आ गया एक्सरसाइज टू। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हल्का सा एक पॉइंट है इसमें, जैसे क्या है ये देख रहे हैं ना, सी ओ एम यहाँ पर डैश दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग यहाँ पे आपका पूरा हो रहा है, ये डैश अगर आप टाइप करते हैं तो आपको नहीं देना है कंपोनेंट, है ना। मीनिंग क्या हुआ, इधर इस लाइन में नहीं आ पाया इसलिए आधा अधूरा मीनिंग हो पाया, इसलिए डैश दे के यहाँ पे कंपोनेंट मीनिंग बन रहा है ना। तो इस तरह से अगर मान लिए आ जाता है आपको, है ना, तो ये डैश ये नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सी ओ एम है ना, पी ओ एन ई एन टी क्या हुआ, कंपोनेंट, है ना, ये मीनिंग बन रहा है आपका, इसलिए ये डैश नहीं बनेगा, नहीं मराएगा ये, इसको नहीं देना है, है ना। इसी प्रकार देख लीजिए क्या है, चेंजिंग, चेंजिंग भी मीनिंग बन रहा है, सी एच ए एन जी आई आई एन जी, है ना। चेंजिंग में देखिए, चेंजिंग में भी मीनिंग बन रहा है, आधा लेटर सी एच ए एन जी इधर आ गया, देखिए बीच में डैश दिया हुआ है, डैश इसलिए दिया हुआ है ताकि ये वर्ड मीनिंग इधर जगह रहने नहीं रहने के कारण आई एन जी इधर लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ तो ये सब है आपको पॉइंट वाली बात है, है ना। मेरा कोई सा भी वीडियो उठा लीजिए, है ना, आप देखेंगे आप महसूस करेंगे हर एक वीडियो में कुछ न कुछ टॉपिक, कुछ न कुछ बारीकी जरूर बताया जाता है। अब जैसे देखिए यहीं से स्टार्ट करिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या है, और क्लास में होते भी हैं, है ना, क्या है लिटरेसी, है ना, आई डबल एल आई टी ई आर ए सी वाई, है ना। हाँ ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, समझ गया ना। डिजिट, डिजिट अभी बताए थे एक्सरसाइज फाइव में, है ना, देख लीजिएगा, बहुत सारा डिजिट को आप लोग बहुत सारे नंबर के लिए स्पेशल प्रैक्टिस करना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। अगर ये एक्सरसाइज आप पकड़ के रगड़ दीजिएगा, पकड़ के रखते हैं कुछ दिन तक, तो नंबर पे डिजिट पे ऑटोमेटिक हाथ बैठ जाएगा आपका, है ना। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, टाइपिंग ऐसा सेक्टर है बच्चों कि जो स्टूडेंट, जो बच्चे लोग प्रैक्टिस में हैं और नित्य दिन हैं, वैसे ही बच्चे लोग टाइपिंग में सफलता का झंडा गाड़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीजन के हिसाब से काम करते हैं, है ना, क्या करते हैं, सीजन के हिसाब से काम करते हैं, और वैसे ही बच्चे लोग टाइपिंग में पिछड़ते हैं। सीजन क्या होता है, है ना, ये जो भी बात बोले कि सीजन पे काम करते हैं, सीजन हो गया, जैसे देखते हैं कोई तरह के वैकेंसी आ गया, फार्म भर दिए, आके टाइपिंग में जुड़ जाएंगे, टाइपिंग करेंगे, लेकिन जैसे ही एग्जाम समाप्त होता है, वैकेंसी खत्म हो जाता है, है ना, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, कहने मतलब टाइपिंग भी छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे। फिर वैकेंसी आएगा दो महीना के बाद, एक महीना के बाद या छह महीना के बाद, है ना, तब फिर से वो लोग टाइपिंग को
स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास में हम देखते हैं तो महसूस करते हैं और उसे बच्चे को समझाने का कोशिश भी करते हैं कि छोटे आप लोग ये जो करते हैं बहुत बड़ा गलती करते हैं, बहुत नुकसान होता है इसका आपको, है ना। बहुत सारे बच्चे को एहसास है इस चीज को, जिनको एहसास है वो टाइपिंग में जुड़े रहते हैं, टाइपिंग करते रहते हैं, लेकिन जो बरसाती मेंढक हैं, है ना, उन लोग क्या करेंगे, जब वैकेंसी आएगा तो टाइपिंग के लिए आ जाएंगे, जब वैकेंसी खत्म हो जाएगा तो आराम करेंगे, घर पे आप क्लास मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं भी रहिए आप, जहां अच्छा लगता है आपको, है ना, सुविधा देखिए, फैसिलिटी देखिए, टीचर ऐसा देखिए कि नॉलेज हो, उनको आता है, गाइडलाइन बढ़िया से करते हैं, बच्चों पर ध्यान देते हैं, बच्चों को बताते हैं, है ना, ऐसा जगह जाएं, है ना। और नहीं तो अगर मान ली लोकल क्लास कर रहे हैं आप कहीं, लोकल ही बैच में हैं आप कहीं, है ना, वहां अगर बताया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है, तो ऐसे जगह जाके अपना समय बर्बाद नहीं करें, है ना, घर में करें। इन्हें कह रहे हैं कि आप कहीं भी जाइए, करते रहना है, कहने के मतलब कि ये प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ छोड़ के नहीं करना है। अगर जो बच्चा कंटिन्यू टाइपिंग में है, कंटिन्यू प्रैक्टिस में है, मेरा देखेंगे सबसे पहला वर्ड मेरा वीडियो का यही होता है, बच्चे लोग प्रैक्टिस में है क्या आप लोग, सबसे पहला वर्ड यही होता है मेरा, है ना, क्यों, क्योंकि टाइपिंग के बारे में हमको पता है, जैसे आप लोग टाइपिंग छोड़ के बैठ जाते हैं, उंगली को बताना होता है ना, उंगली, उंगली क्या है, नौ उंगली का काम है इसमें, टाइपिंग में क्या है, चार इधर और पांच इधर, है ना, ये अंगूठा जानवे करते हैं स्पेस बार के लिए, बाकी ये चार, ये और चार, ये आठ उंगली से टाइपिंग, आप टाइपिंग छोड़ते हैं, टाइपिंग छोड़ के बैठ जाते हैं, है ना, उंगली भूल जाता है, है ना, क्या होता है, उंगली भूल जाता है, कौन सा लेटर कहाँ है, है ना, इसीलिए आप लोग को स्पीड लाने में परेशानी होता है, टाइम से स्पीड नहीं आता है। अभी डीआरडीओ का दिया है रिजल्ट, है ना, उसका शायद 21 के अब 20 के डीआरडीओ का टाइपिंग है ना, आप लोग देख लीजिए, अगर प्रैक्टिस में है तो ठीक है, टाइपिंग निकलेगा, लेकिन जो प्रैक्टिस में नहीं है, है ना, वैसे बच्चों को बहुत परेशानी होगा, है ना। तो हम हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग को, ऐसी बात नहीं है, हम परमानेंट समझाते हैं कि देखिए बच्चों लोग, टाइपिंग प्रैक्टिस का चीज है, जिस तरह से जीने के लिए भोजन का, अन्न का जरूरत पड़ता है, एक दिन नहीं खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, टाइम से भोजन नहीं करेंगे बीमार पड़ जाएंगे, इसी प्रकार एक दिन टाइपिंग छूटेगा, दूसरा दिन नहीं मन करता क्लास जाने का, है ना, एक आध सप्ताह अगर गैप हो गया तो और मन, मतलब बोरिंग वाला काम है, लड़का लोग तो करना नहीं चाहता है, और कारण है, नए होने का सबसे बड़ा कारण है कि टाइपिंग छोड़ छोड़ के करते हैं, इसलिए आप लोग का इसमें मन नहीं भरता है ना। इसी प्रकार से आप लोग का बुक तो अपलोड किया हुआ है, लेकिन हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, है ना, क्योंकि अभी तीसरा महीना लमसम पार हुआ है, है ना, बहुत सारे बच्चे तो किताब खत्म भी कर दिए होंगे, लेकिन हम अभी कहाँ हैं, एक्सरसाइज 6 में, और आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, आप यूट्यूब चैनल से हमारा लिंक के द्वारा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मान ली किन्हीं के पास बुक नहीं अवेलेबल तो आप यूट्यूब पर जाके टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें सारा पीडीएफ इंग्लिश का तो कम से कम पूरा किताब करीब करीब समझिए कि किया डाला हुआ है ना। नेक्स्ट बार सोच रहे हैं हिंदी का भी पीडीएफ एक दो दिन में कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। इसी के साथ आप लोग से इजाजत लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।